नमस्कार। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो पीछे कुछ कदम उठाए गए उससे मजबूत वापसी भारतीय अर्थव्यवस्था की हुई है और उसके कुछ आंकड़े आप सबके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी कोविड-19 महामारी से लड़ने की, और ये भी स्पष्ट दिखता है कि जहां 10 लाख केसेस से कम होकर ये 4,79,000 केसेस रह गए हैं, वहीं पे मृत्यु दर भी देखा जाए तो मात्र 1.47%, यानी कि दुनिया में सबसे कम में से एक है। परचेज मैनेजर्स इंडेक्स की अगर हम बात करें कंपोजिट की, तो वो भी 54.6% पिछले महीने से बढ़कर लगभग 58.9% अक्टूबर में हुई है। ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि कितना सुधार हुआ है और पिछले 9 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। बिजली की खपत, ये भी एक और आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले अक्टूबर माह के मुकाबले 12% इस साल ये बढ़ी है। इसी तरह से जीएसटी कलेक्शन, अगर पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ थी तो इस साल अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ हुई है, जो लगभग 10% ज़्यादा है। तो बिजली की खपत भी बढ़ी जो 12% बढ़ी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ी जो लगभग 10% ज़्यादा है पिछले साल अक्टूबर से। रेलवे में माल ढुलाई के भी आंकड़े प्रति टन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हैं, जो कि पिछले साल लगभग 12% इसी हफ्ते में अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते थी। बैंक क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, जो बैंकों ने पैसा दिया है, कर्ज दिया है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साल भर 10 साल देखेंगे तो उसमें भी 5.1% का ये इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, जो 23 अक्टूबर 2020 की फिगर है। मार्केट्स के आंकड़े आपके पास रोज आते हैं जो रिकॉर्ड हाई है, उछले स्तर पर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी रिकॉर्ड है, और इसमें जो FPI नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो पॉजिटिव आया है वो भी आप सबके सामने हैं। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि $560 बिलियन ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, ये अपने आप में एक सुखद खबर है। FDI इनफ्लो, विदेशी पूंजी निवेश, ये अगर आप महामारी के समय भी अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक का देखेंगे तो $35.37 बिलियन हुआ है, जो लगभग पिछले साल से 13% ज़्यादा है। तो ये कुल मिलाकर सारे आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से भारत में अर्थव्यवस्था में वापसी बड़ी मजबूती के साथ हुई है, ये आंकड़े अपने आप उस दिशा में दिखाते हैं। RBI ने जो प्रेडिक्शंस की थी, जो भविष्यवाणी एक तरह से की, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि भारतीय इकोनॉमी में जो बदलाव और उसमें वापसी की बात कही है वो बहुत फर्क इस बार देखने को मिलता है। पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही उन्होंने Q3 में, यानी कि तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही है, और वहीं पर जो अगले साल के लिए भी बात कही कि चौथा क्वार्टर जो है उसमें हम लोग बेहतर करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा माननीय वित्त मंत्री ने अपनी अभी कहा कि मूड देश के अंदर भी ठीक हुआ और मूडीज की रेटिंग भी जो है वो भी भारत के प्रति उसमें सुधार हुआ है, जो -9.6% कही थी उसमें बदलाव करके उन्होंने अब 8.9% कहा है माइनस, और अगले वर्ष के लिए जो उन्होंने 8.1% ग्रोथ पॉजिटिव कही थी उसमें भी 8.6% कहा है। तो अपने आप में दिखाता है कि देश के अंदर तो सुधार अर्थव्यवस्था में हो रहा है, दुनिया भर की नज़रों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, इस दिशा में आंकड़े सामने आ रहे हैं। I now go to telling you about on some